हम सबसे पहले अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं केक का, चॉकलेट केक का। दोस्तों ये 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, यानी कि मैदा। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा और बेहतरीन केक बनाने के लिए जो रेशियो जाता है वो हमेशा 1:1:1 का होता है। मतलब जितना आप मैदा डालें उतना ही बटर या ऑयल डालें और उतना ही शक्कर डालें। तो मैंने इस कप के नाम से 1 कप मैदा लिया है, तो मैं 1 कप बटर और 1 कप शक्कर डालूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। दोस्तों अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून कोका पाउडर ऐड करने वाली हूँ, 2 और 1/3। दोस्तों हम इसे भी अच्छी तरीके से छान लेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों साथ ही साथ मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों उसका मिक्स करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। आप जितनी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे केक उतना अच्छा बनेगा। मैंने अंडे को पहले से ही इस कंटेनर के अंदर डाल दिया था। दोस्तों अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे 1/2 कप कर्ड यानी कि दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 कप दही। दोस्तों मैं इसमें 1 कप शक्कर यानी कि शुगर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ, 1 और 2 मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी का लिक्विड ऐड कर रही हूँ। दोस्तों कॉफी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इससे कोका का पाउडर का जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो और अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाता है। दोस्तों मैं इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी सादा सफेद नमक। दोस्तों मैं इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन यानी के दालचीनी ऐड कर रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें 1/4 कप फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। चलिए दोस्तों हम इसे अच्छे से पहले ब्लेंड करते हैं। 3 मिनट के लिए ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। अब मैं इसे ब्लेंडर में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया। अब मैं इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर पे 1/4 कप हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों कि इस बैटर से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे केक बनाने में सादे कागज का क्या काम, तो दोस्तों हम इससे बनाएंगे बटर पेपर। तो देखिए किस तरीके से जुगाड़ू बटर पेपर बनता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इस रिफाइंड ऑयल को मैं हाथ की मदद से इस तरह से पूरे कागज पे लगाने वाली हूँ। दोस्तों अब मैं इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरीके से स्प्रिंकल करके लगाने वाली हूँ। ये केक बनाने में पॉट का क्या काम, तो दोस्तों मैं इसी में बैटर को डाल के बेक करने वाली हूँ। इसमें इसलिए क्योंकि केक का शेप इस पॉट के अंदर बहुत अच्छा और डिसेंट सा आता है। चलिए दोस्तों हम करते हैं आगे का काम। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया था बटर का, जिसे मैं अच्छी तरीके से पूरे पॉट में लगा रही हूँ।
दोस्तों ये कुकर है जिसके अंदर मैं सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इस पे इस स्टील की प्लेट को एज अ स्टैंड बना के प्लेस कर रही हूँ। दोस्तों अब हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। दोस्तों हमारा कुकर अब अच्छी तरीके से प्री हीट हो गया है। अब मैं इसमें बैटर के कंटेनर को प्लेस करने वाली हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुकर के अंदर बैटर के पॉट को रख दिया है। अब मैं इस कुकर का लिड लगा दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 50 से 60 मिनट तक अच्छी तरीके से बेक होने दूंगी। हम केक के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे। दोस्तों इसे मैंने गर्म पानी के अंदर डाल के रखा है ताकि ये चॉकलेट जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम इन स्पून को अच्छी तरीके से डीप फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर देंगे। ये चॉकलेट है इसे मैंने गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा मेल्ट करा लिया है। ये एक प्लेट है जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो रखी है, पहले से थोड़ा सा क्राफ्ट हो रखा है। इस पर मैं इस चॉकलेट को डाल के अच्छी तरीके से सेट करके फ्रीज कर दूंगी ताकि इस पर इसका जो है वो फिगर छप जाए। और मैं इसे इसी तरह से फ्रीज कर दूंगी। दोस्तों एक घंटा हो चुका है, अब मैं इसमें एक टूथपिन को डाल करके चेक कर रही हूँ कि ये कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं। दोस्तों आप टूथपिन को काफ़ी अंदर तक डालें ताकि हल्का भी कच्चा हो तो पता चल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं टूथपिन बिल्कुल ही क्लीन वापस आया है, मतलब हमारा केक रेडी। वन टेबल स्पून बटर लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं 1.5 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच सादा दूध। दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक शुगर का सिरप टाइप का बना लेंगे। नॉट एग्जैक्टली शुगर सिरप, इसे हम चॉकलेट सिरप की तरह बना लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा चॉकलेट सिरप बन के तैयार है। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ा पतला ही है। इसको मैंने बीट किया है नीचे गर्म पानी को इसमें रख करके ताकि बटर जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। आप भी इस तरीके से चॉकलेट सिरप घर पे बना सकते हैं, कोका पाउडर, बटर, दूध और शक्कर मिला के। दो घंटे फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद हम इसे चिल्ड बिल्कुल ठंडा ही सर्व करने वाले हैं।